नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर के आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पनीर की ऐसी रेसिपी जो शायद ही आपने कभी खाई होगी। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पनीर हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट होता है। पनीर रिच प्रोटीन युक्त होता है, इसे खाना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये बच्चों के शारीरिक विकास से लेकर हड्डियों को मजबूत बनाने से लेकर दांत को मजबूत बनाने से लेकर शुगर कंट्रोल, वेट कंट्रोल करने में भी काम आता है। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 200 ग्राम पनीर को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। कच्चे पनीर से ही हम आज ये रेसिपी बनाएंगे। तो इस पनीर के अंदर हमने फिर डाली है ग्रीन चिलीज, और उसके बाद हमने 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, चुटकी भर हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच हमने इसमें पाव भाजी मसाला डाला है जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करेगा। 1/4 चम्मच हमने डाला है इसमें धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर और 1/4 चम्मच ही हमने इसमें डाला है गरम मसाला। इसके बाद हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट डाला है और 2 टेबल स्पून इसमें हम डाल रहे हैं राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी आता है क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे मसाले डाले हैं। इसके बाद हमने इसमें बहुत ही अच्छे से इसमें हरा धनिया काट कर डाला है अच्छी क्वांटिटी में। अगर आपको कम पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी का छिड़काव लगाया है और अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे और एक बार इसका हम मुट्ठी में बांध कर देखेंगे कि इसकी जो है कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी का अगर ये हो जाता है तो ये ओके है, और अगर आपको लगता है कि ये बाइंडिंग इसमें नहीं हो रही है तो इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिला सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से इसके बोल्स बन रहे हैं, इसका मतलब ये सही है। तो हमने इसके सारे बोल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। बोल्स हमने इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम इसे अप्पे पैन में बनाने वाले हैं, अदरवाइज़ हम इसे दूसरा शेप भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर डीप फ्राई करना पड़ता है। और डीप फ्राई में आप जान सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑयल हो जाता है, तो कम ऑयल और ये कम बटर में हमें बनाने के लिए हमने इसे अप्पे पैन में बनाया है। तो हमने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है अप्पे पैन में और उसके बाद ये बोल्स इसमें रख दिए हैं। थोड़ी सी देर में ये जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब इसे हम पलट लेंगे। इसे हमने ढक दिया है और अब देखते हैं कि नीचे से ये बहुत ही अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं, तो अब इन्हें हमने पलट दिया है। अप्पे पैन में बनाने का एक और फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं कि अप्पे पैन में बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब बहुत कम ऑयल में या बहुत कम बटर में हम इन्हें अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। यानी कि डीप फ्राई में अगर हम बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो अप्पे पैन में बनाने से ये बहुत ही एक हेल्दी डिश हो जाएगी क्योंकि वैसे भी पनीर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, और साथ ही अगर हम इसे कम ऑयल या बटर पर बनाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे और आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये देखने में। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट भी आ जाते हैं या फटाफट सुबह सुबह बच्चों को या आपके हस्बैंड को आप नाश्ता देना चाहते हैं, फटाफट बनाना चाहते हैं, तो बहुत ही जल्दी से ये एक हेल्दी डिश रेडी हो जाएगी। तो बहुत यमी है खाने में भी। इसे आप हरी चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, मेयोनीज के साथ में, किसी के भी साथ में सर्व कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगने वाले हैं ये, आपके बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और इस वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।